हर दिन 10 आवर ब्रैकेट में आपको खाना है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। मैं खाने कम नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई क्या छोड़ना है क्या खाना है वो आपकी मर्जी, जो आप कर रहे हैं वही कीजिए। ना तो आपके खाने के क्वांटिटी को छेड़ रहा हूँ, ना काइंड ऑफ फूड को छेड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, जो भी आप खाना चाहते हैं सुबह 8 बजे के बाद शुरू कीजिए, रात के 6 बजे से पहले खत्म कर दीजिए, उसके बाद कुछ मत खाइए। पानी पी सकते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दवा है, लेकिन कहीं आप ठीक ना हो जाएं इसीलिए उस दवा से आपको दूर रखा जा रहा है। राइट, आपको 5 तरह की दवाइयां लेनी होंगी। दवाइयों का मतलब, मेडिसिन का मतलब सिर्फ वो नहीं जो टॉनिक टैबलेट है। अगर डिक्शनरी में मेडिसिन का कोई मीनिंग देखेंगे, डिक्शनरी मेडिसिन का मतलब होता है कोई भी ऐसा साइंस जो आपको बीमारी को प्रिवेंट करने में या क्योर करने में मदद करे, वो मेडिसिन। क्लियर होगी ना? What is medicine? Medicine is any science which can help you to prevent or cure a disease. That is medicine. Medicine does not only mean कि कोई tablet हो, कोई tonic हो, तो ही वो bottle में होगा, तो ही वो medicine है। कोई भी science, यानी कि scientific होना चाहिए, कोई भी science which can help you to prevent or cure a disease, that is medicine. तो इस तरह के हम 5 medicine की बात करते हैं, उनमें सबसे पहले, सबसे important, सबसे बड़े medicine की मैं बात करता हूँ। ये सबसे बड़ा medicine, अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ से बाहर सिर्फ मैं एक ही चीज लेके जाऊंगा, तो वो ये है जो मैं अगले 2-3 मिनट में करने जा रहा हूं। द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन ऑफ द अर्थ जो हमने देखा अपने पेशेंट में, और इस मेडिसिन का नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है टाइम एज मेडिसिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम एज मेडिसिन, समय इज ही मेडिसिन है। इसको मैं समझा देता हूं 1 मिनट में। आपके बॉडी का हर ऑर्गन का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। वो सर्केडियन क्लॉक के ब्रेक करने से आपके अंदर बीमारी आती है, वो सर्केडियन क्लॉक को ठीक करेंगे तो आपकी बीमारी जाएगी। सर्केडियन क्लॉक क्या है आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, तो ये टाइम एज मेडिसिन का एग्जांपल मिल जाएगा। मान लीजिए इस स्टेज में ऑर्केस्ट्रा के लिए बहुत सारे म्यूजिशियन बैठे हैं, तबले वाला बैठा है, गिटार वाला बैठा है, बांसुरी वाला बैठा है, और सब लोग जब म्यूजिक अपना अपना बजा रहे हैं तो आपको जो सुनाई पड़ता है उसे आप म्यूजिक बोलते हैं ना। लेकिन क्योंकि ना केवल ये अच्छा अपना आप बजा रहे हैं बल्कि इनके बीच में एक तालमेल भी है। अब मान लो वो तालमेल को ना रहे या आप किसी एक को डिस्टर्ब कर दें, वो तालमेल खत्म हो जाए, तो जो आपको सुनाई पड़ेगा वो म्यूजिक नहीं कहलाएगा, वो नॉइज कहलाएगा। राइट, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना नहीं कि वो अपने आप में कितना अच्छा बजा रहा है, इंपॉर्टेंट ये कि वो बजाते हुए कितना बाकियों से तालमेल भी रख रहा है। ये जो तालमेल है बिटवीन ऑल द म्यूजिशियन, इस तालमेल को बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। बॉडी में भी कई सारे ऑर्गन्स हैं, राइट, कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, एक का नाम हार्ट है, एक का नाम किडनी है, एक का नाम लंग है, एक इस तरह से ना, एक का नाम ब्रेन है, लेकिन इन सबके बीच में आपस का जो एक तालमेल है, राइट, तो वो तालमेल ठीक होगा तो आपकी जिंदगी म्यूजिक होगी। वो तालमेल अगर गड़बड़ होगी तो आपकी जिंदगी नॉइज होगी। राइट, तो इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। राइट, और ये अभी कुछ समय पहले इसको, इस वाले साइंस को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी कोई बीमारी होती है, ये पाया गया कि उसमें एक फैक्टर जरूर इंपॉर्टेंट होता है कि बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो खराब है। जब भी आपको नॉइज सुनाई देगा इस ऑर्केस्ट्रा से, इसका मतलब एक फैक्टर जरूर है कि इनके बीच में जो तालमेल था वही मिस हो गया। That will be the most important factor. अब अगर noise को music में convert करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इनके बीच का जो तालमेल है उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं time as medicine. Time as medicine के अनुसार हमें क्या करना होगा? Very very simple. हमारे हर organ का एक तालमेल होता है। इसका एक example देके फिर सीधे आता हूं क्या करना होगा। Heart का एक body clock है। इसको अगर आप एक्सपेरिमेंटली समझना चाहते हैं तो आप सुबह के 10 बजे लगभग इसी टाइम 10 बजे कल कर सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, उसे लिख लीजिए। आपका ब्लड प्रेशर मान लो 140/90 है। रात को 10 बजे सेम डे अपना सेम उसी दिन रात को 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर फिर चेक कीजिए। आप गौर करेंगे आपका ब्लड प्रेशर सुबह वाले से नीचे रहेगा। राइट, सुबह वाले से नीचे रहेगा। राइट, 10-20% नीचे रहेगा। क्लियर? राइट, आप में से बहुत थोड़े लोग होंगे जिनका सेम या उल्टा रहेगा। तो ये है पैटर्न, दिस इज द हार्ट का बॉडी क्लॉक। जिनका ऐसे रहता है या उल्टा रहता है उनको नींद नहीं आएगी फिर, या किसी दिन अगर आपको उल्टा ऊपर रहेगा उस दिन आपको नींद नहीं आएगी।
आपके नींद को आने के लिए रात को आपके बॉडी का अपना ब्लड प्रेशर को कम करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो ही आपको नींद आती है। जब ब्लड प्रेशर कम होगा, बॉडी में थोड़ी ठंडक आएगी, तो मेलाटोनिन रिलीज होगा, आपको नींद आ जाएगी। तो दैट इज द प्रिंसिपल। एक जैसा ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, वो ऐसे जाता है। ये बॉडी का, हार्ट का बॉडी क्लॉक है। एक और एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, दो बोतल ले लीजिए, बोतल वन एंड बोतल टू। मान लीजिए दोनों बोतल लीजिए, ये तो थोड़े छोटे बोतल एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ, बड़े बड़े एक लीटर के। इसमें लिख दीजिए डे, इसमें लीजिए नाइट। दिन भर में जितना पेशाब आप करते हैं बोतल वन में आप डालिए, रात को सोने के बाद आधी रात को उठ के अगर पेशाब करते हैं तो बोतल टू में डालिए। आप गौर करेंगे बोतल वन में यानी कि दिन वाले पेशाब जो कलेक्शन है, इसमें जो पेशाब होगा वो 3 गुना होगा इन कंपेरिजन टू रात वाले का। ये एक बैलेंस रहता है। कुछ केसेस में ये उल्टा होता है, तो वो उनमें होता है जिनमें किडनी की प्रॉब्लम होगी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, यानी कि किडनी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिगड़ गया है। तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि किडनी का बॉडी क्लॉक, हार्ट का बॉडी क्लॉक, ये दिस इज टाइम एज मेडिसिन। इसको अगर ठीक कर लें तो कोई भी बीमारी आराम से ठीक हो सकती है। ठीक इसी तरह से आपका जो पेनक्रियाज है उसका भी एक बॉडी क्लॉक है, बस इसको समझने की जरूरत है। आपका पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वो सुबह रफली 8 बजे सो के उठता है, राइट? आपकी सिंपलिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि इतना सिंपल है नहीं ये। 8 बजे सुबह सो के उठता है और रात को 8 बजे सोने चले जाता है, राइट? 8 AM to 8 PM, और रात को 8 PM से लेके अगले दिन सुबह तक 8 बजे तक वो सोता रहता है, इनएक्टिव मोड में होता है। तो आपको सिर्फ एक चीज करना है, अगर आप ये डिसाइड कर लें कि कल से जो डायबिटीज के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, जो ज्यादा ही मोटे हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, ये सारे लोग डिसाइड कर लें या सभी डिसाइड कर लें कि मैं सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाऊंगा और शाम के 6 बजे से पहले डिनर कर लूंगा, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा। 6 बजे जो भी आप खाएंगे वो 8 बजे तक डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर इंसुलिन पेनक्रियास सोने चला जाएगा। हर दिन 10 आवर ब्रैकेट में आपको खाना है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। मैं खाने कम नहीं बोल रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि भाई क्या छोड़ना है क्या खाना है, वो आपकी मर्जी, जो आप कर रहे हो वही कीजिए। ना तो आपके खाने के क्वांटिटी को छेड़ रहा हूं, ना काइंड ऑफ फूड को छेड़ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं जो भी आप खाना चाहते हैं सुबह 8 बजे के बाद शुरू कीजिए, रात के 6 बजे से पहले खत्म कर दीजिए, उसके बाद कुछ मत खाइए। पानी पी सकते हैं, राइट? जितना चाहे पानी कभी पी सकते हैं, वो खाना नहीं, राइट? और मतलब पानी के अलावा कुछ नहीं मुंह के अंदर जाना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हैं, अगर आप कर पाते हैं, अगर इसलिए बहुत लोग बोलेंगे हम नहीं कर पाएंगे तो फिर तो क्या बोलेंगे, लेकिन कर पाएंगे तो आप हैरान होंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपका ब्लड शुगर नीचे जाने लगेगा, 15 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाने लगेगा, दवाई कम करना मजबूरी हो जाएगा, 21 दिन के अंदर आप देखेंगे घुटने के दर्द वगैरह ठीक होने लगेंगे, 1 महीने के अंदर आपका बॉडी वेट जो ज्यादा मोटे हैं 5% रिड्यूस होने लगेगा, आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी, आपकी नींद पहले 3-4 दिन के अंदर बड़ी अच्छी गहरी आने लगेगी। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं पहले 2 या 3 दिन के अंदर उनके डिप्रेशन में आपको बहुत ही गिरावट दिखेगी, तो वो चीयरफुल रहने लगेंगे। तो ये सारे फैक्टर आ जाते हैं जैसे ही आपने एक चीज बदली, बस टाइम एज मेडिसिन, कुछ नहीं करना। मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि आप मेरी बात ना भी मान के जस्ट एक्सपेरिमेंटली करके देखिए, नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना, राइट? एक्सपेरिमेंटली करके देखिए, खास तौर पे वो लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट लोग हैं, खास तौर पे वो लोग जो तकलीफ में हैं, जिनका रूटीन बिगड़ा हुआ है बिकॉज वो बॉडी पेन, उनके साथ कुछ काम ही नहीं होता फिर, तो वो लोग जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि धीरे 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 उनकी बीमारी कम होती जाएगी। इसका ठीक उल्टा कर सकते हैं। मान लो कोई दुश्मन है, आप डिसाइड कीजिए कि रात के 12 बजे एक लड्डू खिला देंगे उसको, तो आप किसी भी अपने टाइम ब्रैकेट को जितना बढ़ाएंगे उतनी बीमारी बढ़ेगी, टाइम ब्रैकेट को जितना घटाएंगे उतनी बीमारी ठीक होने लगेगी। एक एग्जांपल देकर आपको इसको कंक्लूड करते हैं। आप आधी रात को जब नींद में उठते हैं, कई बार किचन जाना पड़ता है, प्यास लगी होती है, तब आप चूहे के कुतरने की आवाज अक्सर सुनते होंगे। तो चूहे को कुदरत ने इस तरह से बनाया कि नॉक्टर्नल एनिमल, वो रात को खाने के लिए बनाया है सूर्यास्त के बाद, और चूहा अपना नेचुरल रिदम फॉलो करता है, वो रात को ही खाता है, दिन में नहीं खाएगा। इंसान का जो नेचुरल, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम दिन के लिए बने हैं, जब सनलाइट हो तब। एक्सपेरिमेंट ऐसे कई बार किए गए, कई कई बार किए गए, चूहे को पकड़ा, एक ही तरह के चूहे, 2 पिंजरे में रख दिया,
एक पिंजरे में चूहे को खाना तभी दिया जाता है जब वो जिसके हिसाब से बनाए, कब, रात, रात में सर्व कर दिया और दिन सुबह होने से पहले अगर खाना छूट गया तो निकाल लिया, फिर रात को सर्व किया। दूसरे चूहे को इसका ठीक उल्टा किया, जैसे ही सूरज उग गया खाना पहुंचा दिया, और सूरज ढलने से पहले अगर उसने खाना फिनिश नहीं किया या खाना खाया नहीं उसको हटा दिया, तो मतलब ही इज फोर्स्ड कि उसे खाना दिन में ही मिलना है। एक महीने के अंदर जो दिन वाला चूहा है, दिन में खाना दे रहे हैं सर, वो मोटा होने लगा, उनमें कैंसर डेवलप हो गया, उनमें डायबिटीज डेवलप हो गई, उनकी बीपी बढ़ गई और 3-4 महीने में वो उनमें से चूहे मर गए। फिर एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, 1 महीने में जब भयंकर बीमार पड़ गए तो उन चूहे का खाने की टाइमिंग दोबारा बदल दी, नेचुरल जो टाइमिंग है, रात को टाइम, रात को खाना दिया और सुबह होने से पहले निकाल लिया। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बीमारी उनमें आ गई थी वो बीमारी उससे कई गुना तेज रफ्तार से गायब भी हो गई, तो यानी कि इट इज रिवर्सिबल। फिर यही वाला एक्सपेरिमेंट इंसान पे भी किया गया, कई कई बार कई कई हॉस्पिटल्स में किया। हम तो अपने हॉस्पिटल में ये टाइम एज मेडिसिन, हमारे हॉस्पिटल 20 हॉस्पिटल है, अगर आप जाएंगे सुबह 9 बजे से पहले उनको ब्रेकफास्ट मिलता नहीं और रात के 7 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता, किचन ही बंद हो गया, उससे पहले खाना है तो खाओ नहीं तो नहीं मिलेगा। हमें पता है कि सिर्फ एक ये एक नियम है, बाकी और चीज काम करे ना करे ये तो काम कर ही जाएगा, तो वी आर श्योर अबाउट इट। और ये तो सभी के लिए लागू कर ही दिया हमने, और लागू किए भी 3 साल हो गए, 3 साल पहले हमने, अभी 20 हॉस्पिटल है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इसको करने के लिए किसी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, ये तो घर पे किया जा सकता है, राइट, और घर पे ही करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए नहीं, मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, कि आपके जीवन का पार्ट बना लिया। लेकिन पार्ट कब बनाएंगे, जब आपको इसमें से कोई फायदा दिखेगा, फायदा तभी दिखेगा जब इसको कुछ लोग कुछ दिन तक करके देखेंगे। तो कितने दिन तक, 10 डेज चैलेंज, 10 दिन तक करके देखेंगे बस, और 10 दिन में क्लियर कट एविडेंस मिल रहा है तो और लंबा कर लेंगे, राइट। तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली, और या जिनका काम ऐसा है कि जैसे जो सिक्योरिटी में काम करते हैं नाइट ड्यूटी होती है, डॉक्टर्स होते हैं जो रात को ही काम करते हैं नाइट ड्यूटी होती है, जो पायलट्स होते हैं, जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहां पे मजबूरी में रात को ही काम करना है। पूरे दुनिया में देखा गया है कि उनमें मोर्टलिटी रेट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन, उनमें कैंसर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन, उनमें हार्ट डिजीज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन, ये पूरे दुनिया में ये देखा गया है। तो लेकिन उनकी तो मजबूरी है बिकॉज उनकी जॉब है, लेकिन आप हम में से वो लोग जो बीमारी की वजह से हम घर पे बैठे हुए हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो लोग कर सकते हैं वो करके देखेंगे, तो वो देखेंगे किस रफ्तार से आप सिर्फ एक चेंज करने से आपकी बीमारी भागती है, कैसे पता चलेगा, सिम्टोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपकी नींद अच्छी आने लगेगी, जस्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइम एज मेडिसिन। अब आते हैं दूसरी मेडिसिन पे, तो ये जो टाइम एज मेडिसिन, इसमें कोई ये नहीं देखना कि भाई डायबिटीज का पेशेंट कर पाएगा क्या, हार्ट का पेशेंट कर पाएगा क्या, हेल्दी इंसान करेगा क्या, सभी को कर लेना है और 10 दिन तक करके देखना कि भाई फायदा हो रहा है कि नहीं। मैं तो बोल रहा हूं फायदा होगा, लेकिन आप मेरी बात ना मत मान के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है, कुछ खोएंगे नहीं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द, इस पे मैंने किताब लिखी है द सर्कैडियन डॉक्टर, राइट, मैं आपको कुछ लाया हूं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर के लिए, ठीक है यहीं रख दो। तो सर्कैडियन डॉक्टर अगर किताब आपको पढ़नी है, राइट, तो bishroop.com/ebook में जाएंगे तो ये किताब ईबुक फ्री डाउनलोड हो जाएगा या अमेज़न वगैरह तो मिल ही जाएगा। तो इसमें आपको पूरा साइंस पता चल जाएगा, छोटा सा जो मैंने बताया इसके पीछे का साइंस जिनको जानना है। दूसरा जो मेडिसिन है जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फूड एज मेडिसिन, राइट, फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज से पहले जिन्होंने DIP डाइट सुना है, ज्यादातर आप में से, है ना, ठीक है। DIP डाइट इज अ काइंड ऑफ डाइट जो आज से 14 साल पहले मैंने डिजाइन किया था और तब से अब तक के कंसिस्टेंट रिजल्ट हैं। DIP डाइट के पूरे दुनिया में कई सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। ये bishroop.com/ebook में जाएंगे तो मेरी जो किताबें जो जो मैं बताता जाऊंगा वो सारी किताबें यहाँ पे फ्री डाउनलोड हो जाएंगी, राइट। तो DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल भारत में आयुष मंत्रालय ने किया था 2018 से लेकर 2020 के बीच में, और इसका क्लिनिकल ट्रायल नेपाल सरकार ने भी किया था, ये उसकी चिट्ठी है, हालांकि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसका क्लिनिकल ट्रायल किडनी पेशेंट पे ये मलेशिया में भी लिंकन यूनिवर्सिटी ने किया था। बोलने का मतलब है कि इसके बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो गए और हमारे तो
14 साल से पेशेंट्स कर ही रहे हैं, आप में से भी काफी लोगों ने हाथ रेस किया है। तो दूसरा मेडिसिन ये है कि जैसी कोई बीमारी हो, बीमारी का नाम कैंसर हो सकता है, उसका नाम डायबिटीज हो सकता है, उसका नाम हार्ट डिजीज हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है उसका, आंख बंद करके जो भी आप खा रहे हैं उसको चेंज करके डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट क्या है उसको आपको समझना है, सिर्फ तीन ही स्टेप है। वो तीन स्टेप क्या है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। स्टेप वन, ये जो मैं बता रहा हूँ ये लाइव भी चल रहा है तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लिख जाए, लिख तो रहे लेकिन कुछ छूट जाएगा। डीआईपी डाइट में स्टेप वन, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाना है, कुछ नहीं खाना है, और कम खाने नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो भी खाएंगे फल खाइए, तीन चार तरह के फल खाइए। अभी जैसे आम मिल रहा है तो आम खाइए, अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो जरूर खाइए। हमने ये देखा है कि डायबिटीज, पिछले 14 साल से बोल रहा हूं, डायबिटीज पेशेंट आम के सीजन में पेट भर के 2-3 किलो अगर आम खा सकते हैं तो कुछ ही दिनों में उनकी डायबिटीज गायब हो जाती है। मजबूरी होती है दवाई छोड़ने की, मजबूरी होती है इंसुलिन टेपर करने की। आपके दिमाग में ये बात आ ही रही होगी कि इतने सालों से आम छोड़ के हम बैठे हैं, राइट, तो क्या आप ठीक हो गए? फिर अगर आपने आम छोड़ दिया तो क्या ठीक हो गए? एक्चुअली याद रखिए जो फ्रूट्स होते हैं वो डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दवा है, लेकिन कहीं आप ठीक ना हो जाएं इसीलिए उस दवा से आपको दूर रखा जा रहा है। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, ये क्लिनिकल ट्रायल डायबिटीज पेशेंट पे हुए हैं, किडनी पेशेंट पे हुए हैं, हार्ट पेशेंट पे हुए हैं, और ट्रायल तो छोड़िए इसी यहाँ पे भी आप में से कुछ लोग आपस में बातचीत करेंगे तो आप में से काफी लोगों ने डीआईपी डाइट ट्राई किया है, और ऊपर से आम का सीजन भी है, ये टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका है। 12 बजे तक 3-4 तरह के फल ले लीजिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो मीठे फल भी हो सकते हैं या होने ही चाहिए, अंगूर हो सकते हैं, चीकू हो सकता है, आम हो सकता है, संतरा हो सकता है, केला हो सकता है, तरबूज हो सकता है, खरबूज हो सकता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी तरह के पेशेंट के लिए, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाट्स एवर काइंड ऑफ पेशेंट, राइट, वो किस चीज का पेशेंट है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्वांटिटी के लिए एंड काइंड ऑफ फ्रूट्स के लिए, बस ये कि जो मिल जाए आपको खाना है। 12 बजे तक खाना सिर्फ फल है, दैट इज स्टेप वन। कितना खाना है आपके बॉडी वेट के अनुसार, मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg, फॉर्मूले के अनुसार इंटू 10 दैट बिकम्स 700 और उसको ग्राम कर दिया, 700 ग्राम खाना है। ये एक इंडिकेटिव नंबर है, ऐसा नहीं कि 700 ग्राम पे अटकना है, अगर आपका मन 1 किलो करने खाने का कर रहा तो वो भी खा सकते हैं, अपर लिमिट कितना भी रख सकते हैं, बट ट्राई टू अचीव कि भाई एटलीस्ट लोअर लिमिट इतना मेंटेन करें, राइट। लेकिन याद रखिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनकी मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ी कम ही होती है, तो थोड़ा कम खा के भी पेट भर जाता है उनका, तो वो जितने में आपका पेट संतुष्ट हो जाए उतने को रखिए, अगर आप नंबर को फॉलो नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन खाना फल है, दैट इज स्टेप वन। और स्टेप टू, लंच और डिनर में क्या करना है, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट टू और प्लेट वन। प्लेट टू में आपको वही सारी चीज रखनी है जो अभी भी आप खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा सब कुछ में रखिए, मतलब ये कि मैं कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, कम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिड्यूसिंग एनीथिंग, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं उससे पहले प्लेट वन में 3-4 तरह के कच्ची सब्जी रख दीजिए, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल पीली हरी शिमला मिर्च प्याज वगैरह, ऐसी चीजें जो कच्चा खाया जा सके, और उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg × 5 दैट बिकम 350 grams। पहले प्लेट वन में मैं ये खा लूंगा और उसके बाद उठने से पहले प्लेट टू में जो मैं अब तक खाता आया वही खाऊंगा। ये कई लोग चालाक होते हैं, वो बोलते हैं पहले मैं प्लेट टू खा लूं फिर प्लेट वन खा लूं, तो रिजल्ट भी अपोजिट ही आएगा। कई लोग बोलते हैं हम तो सलाद ऑलरेडी खाते हैं। आप देखेंगे घर में 4 लोगों की फैमिली है तो खाना वाना रख दिया, एक बीच में एक कटोरी में सलाद रख दिया और वो एक डेकोरेशन की तरह ही होता है, एक आध पीस खा भी लिया नहीं तो वो पड़ा ही रह जाता है। ये सलाद मेडिसिन की तरह काम तब करता है जब वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपके बॉडी में जाता है। क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। आपको अगर ये किसी को लगता है कि इतना खाने के बाद तो मेरी भूख ही मिट जाएगी, अब तो मैं रोटी सब्जी कैसे खाऊंगा, आपको हैरानी होगी 3rd डे तक इतना खाने के बाद आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। यानी कि अभी अगर 2 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं तब भी इतनी रोटी खा जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले आपने 300 ग्राम या 400 ग्राम सलाद खा लिया। वो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा। तो मैं कोई कम खाने नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं तो ज्यादा खाने बोल रहा हूं, बस मैं ये बोल रहा हूं कि पहले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आपको सलाद खाना है।
कोई बोलेगा मैं 350 नहीं खा सकता, तो 300 खा लीजिए, वो भी नहीं खा सकता 250 तो खा ही लीजिए, थोड़ा नेगोशिएशन चल सकता है यहाँ पे। लंच में यही करना है, आते हैं डिनर पे, डिनर में भी यही करना है। अब एक आखिरी स्टेप है, अवॉइड पैक्ड फूड एंड डेयरी एंड एनिमल प्रोडक्ट। कोई भी चीज जो फैक्ट्री से आती हो, पैकिंग से आती है, उसे छोड़ दीजिए। कोई भी चीज जो जानवरों से आती है उसको छोड़ दीजिए। जैसे जानवरों से क्या आ सकता है, मीट, मछली, अंडा, ये सब आ सकता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, ये सब आ सकता है। देखिए वैसे तो बचपन से हमने सुना है, आपने भी बचपन से दूध पिया है, मैं भी बचपन से दूध पीता था, कि भाई दूध तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जानवर का दूध उस जानवर के बच्चे के लिए होता है, उस हिसाब से वो डिजाइन होता है। गाय का दूध जो है वो गाय के बच्चे के हिसाब से डिजाइन है। गाय का बछड़ा 6 महीने में 100 केजी का गाय बन जाएगा, बड़ा हो जाता है इतना। तो इंसान को 100 केजी होने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन गाय के दूध में फॉर एग्जांपल ज्यादा होता है, 15 गुना इंसान के बॉडी से। तो जब आप किसी छोटे बच्चे को गाय का दूध पिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ उस हिसाब से बड़ी होगी। लेकिन याद रखिए, किसी चीज की ग्रोथ रेट अगर बहुत ज्यादा हो तो उसे कैंसर ट्यूमर भी बोला जाता है, राइट। और फिर हमें अपने बच्चे को इंसान बनाना है, कोई गाय भैंस तो बनाना है नहीं। तो याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार जरूर करता है, लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है। अगर आपको ये लगता है कि दूध बहुत न्यूट्रिशियस है, तो मैं तो ये बोलता हूं कि 1 हफ्ते के लिए, ओनली फॉर 1 वीक, जिंदगी भर तो दूध पिया है ना, तो अगर आपको लगता है कि उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, तो 1 हफ्ते के लिए छोड़ भी देंगे तो हड्डियां गल तो नहीं जाएंगी, आफ्टर ऑल दूध जिंदगी भर पिया है। 1 हफ्ता तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 1 वीक यू स्टॉप ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स, खासतौर पर वो लोग जो लोग दवाइयों पे हैं, डायबिटीज की दवाई पे है, इंसुलिन पे है, बीपी की दवाई है, एंजाइना हो रहा है, राइट, चेस्ट पेन हो रहा है, राइट। तो उनके लिए बोल रहा हूं, जो तो ऑलरेडी हेल्दी है वो तो जो कर रहे हैं वो करते रहे। जो तो हेल्दी नहीं है, जिनको पेन है, डिस्कम्फर्ट है, मेडिसिन पे है, उनको बोल रहा हूं मैं। तो ये अवॉइड करना है। और क्या स्नैकिंग के लिए खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। धूप में बैठी थोड़ी बहुत देर, 40 मिनट नहीं बैठ सकते तो आधे घंटे, वो भी नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट तो बैठ ही लीजिए। एवरी डे लिटिल बिट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जैसे ही आप ये करने लगेंगे, जो क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं, जो हमने देखा पिछले 14 सालों में, आप में से भी कितने लोगों ने हाथ रेज किया, हमने देखा पहले 2 या 3 दिन के अंदर अधिकतर पेशेंट्स का ब्लड शुगर की दवाई छूट जाती है, 2 to 3 days। यानी कि अब तो आपको 7 दिन भी नहीं, 2-3 दिन में ही। इसीलिए हम बोलते हैं व्हेन यू स्टार्ट दिस, ये इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड शुगर की दवाई ले रहे हैं वो ब्लड शुगर चेक भी करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा और दवाई भी आप लेते रहेंगे, इंसुलिन लेते रहेंगे, तो हाइपोग्लाइसिमिया हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। विद इन 3 days to 6-7 days ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ना अधिकतर लोगों की, 80% लोगों की मजबूरी हो जाती है, छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो हाइपो टेंशन हो जाएगा। विद इन 15 days हमने देखा अधिकतर लोगों के जोड़ों के दर्द वगैरह, इनमें आराम मिलना शुरू हो जाता है, द फर्स्ट साइन कि हाँ आराम मिल रहा है, रीजनेबली आराम मिल रहा है। और इसमें हमने देखा 1 महीने के अंदर पहले महीने 10% वेट रिडक्शन होता है, फॉलोइंग मंथ 5% वेट रिडक्शन होता है, जब तक कि आपका नॉर्मल BMI नहीं आ जाता। जो लोग मोटे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो तो बहुत पतले हैं या नॉर्मल है उनका और वेट नहीं रिड्यूस होगा, शुरू में जरूर 2-3 किलो कम होता है। तो दैट इज द फूड एज मेडिसिन, कि खाना ही आपकी दवाई। लेकिन आपने क्या किया, एक कदम और आगे बढ़ा लिया, आपने टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन दोनों को जोड़ दिया, कि ये खाना है उस टाइम के हिसाब से खाना है। अब देखिए जब ये दो मेडिसिन जुड़ जाएंगी तो आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कितनी तेजी से आता है, ये आप तभी एहसास कर पाएंगे जब इसको फॉलो करके देखेंगे, राइट। जिस तरह से अभी सारा काम छोड़ के टाइम लगा के यहां पे हैं, आए हैं, ठीक उसी तरह से जो भी मैंने अभी बताया ये करके देखें। 2 मेडिसिन, यानी कि ये 2 मेडिसिन सभी को लेना है। आप में से कुछ लोग जिनके परिवार में या आपके दोस्तों में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट भी होगा फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो जो क्रिटिकल केस आते हैं हमारे, ऐसे पेशेंट आते हैं ना जो डायलिसिस में ऑलरेडी हैं, राइट, ऐसे पेशेंट आते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो इतने मॉर्फिन डिपेंडेंट है, उनको इतना दर्द है कि भाई वो दिन में 2 बार मॉर्फिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं,
तो जब क्रिटिकल पेशेंट है, आप में से कोई भी क्रिटिकल नहीं है तभी आप यहाँ पे हैं, जो भी अपने पैरों पे चल के यहाँ पे आ पा रहे, इतनी देर तक बैठ पा रहे, तो आप क्रिटिकल में तो है नहीं ना, क्रिटिकल वाला तो घर बैठा होगा ना इस वक्त। तो जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको हम, अगर हमारे हॉस्पिटल होते हैं या हमसे मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, हम तीसरी दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं, वो है ग्रेविटीज मेडिसिन। तो ये दवाई के बारे में जानकारी ले लीजिए, कभी किसी को जरूरत पड़े तो उनको दिया जा सकता है। ये ग्रेविटीज मेडिसिन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रिटिकल केस में तो ये बड़ा लाभ देता है। इसको समझने के लिए इतना समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है, समझना यह है कि जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मेरा हार्ट ब्लड को ऊपर सिर तक पहुंचा रहा है ना, जबकि ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है ना। लेकिन एक संतुलन बनाए कि हार्ट ब्लड को ऊपर फेंक रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एक संतुलन बनाए तो हम जिंदा है, आप जिंदा है, सब लोग जिंदा है। लेकिन कुछ लोगों में जब हार्ट थोड़ा कम काम करने लगेगा, या फिर नॉर्मल हेल्दी इंसान में, आप सब में इंक्लूडिंग मी, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं और 20 मिनट तक बिना हिले खड़ा रहूंगा, तो धीरे 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 हमारी जो ग्रेविटी है वो हावी होती जाएगी, हार्ट थोड़ा वीक पड़ता जाएगा, तो ब्लड सिर से ब्लड वो इकट्ठा होना शुरू होगा पैर की तरफ, और जब सिर में ब्लड कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंसान बेहोश हो जाएगा। ये आप सबने अपने बचपन में स्कूल असेंबली में देखा है, देखा ही नहीं देखा, स्कूल असेंबली में बच्चे खड़े अचानक धड़ाम से गिरते हैं, हमें ये लगता है कि बच्चा गिर गया क्योंकि कमजोर है, धूप लगी, कई सारे और वजह सोचते हैं। मेन वजह क्या है, कोई भी इंसान आप करके देखिए थोड़ी बहुत, कभी खड़े रहेंगे ऐसे बिना हिले तो धीरे 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 आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हेल्थ खराब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पोस्चर है व्हेन यू स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड राइट, तो ये सभी के साथ ही होगा। स्कूल में उन बच्चों के साथ होता था जो डिसिप्लिन बच्चे हैं, जैसे टीचर ने बोला सावधान खड़े हो जाओ, वो सावधान, जो तो थोड़े नटखटी हैं वो तो हिलते डुलते रहते हैं तो वो कभी नहीं गिरेंगे राइट। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ये समझाने के लिए कि ग्रेविटी का आपके बॉडी में एक रोल है, और वो रोल को समझ के हम ग्रेविटी को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज ग्रेविटी इन आवर फेवर। तो याद कीजिए वो समय जब कोरोना का दिन था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, आपको याद आ रहा है, लोग अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर भर भर के रख रहे थे, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो उन कुछ लोगों की बॉडी उस ऑक्सीजन को क्यों नहीं ले पा रही, उनको सिलेंडर क्यों जरूरत पड़ रहा है। उस वक्त हमारा कोविड सेंटर था 1100 बेड का, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर राइट, तो अहमदनगर में था वो। हमारे हॉस्पिटल में कोविड सेंटर में जब पेशेंट आते थे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, हमें ये पता है कि इस वक्त आप जो सांसें ले रहे हैं वो ऑक्सीजन नहीं है, एयर है, ऑक्सीजन एक छोटा हिस्सा है। अगर आप प्योर ऑक्सीजन सांसों से लेंगे तो उससे लंग में निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया से ही तो बचना है। तो ये प्रैक्टिस जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना, इससे इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा, उसके सांसों को, उसकी ब्रीदिंग खुद ब खुद होनी चाहिए। हम क्या करते थे ऐसे पेशेंट को, आज भी हम अपने हॉस्पिटल में यही करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम ग्रेविटी एज मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन दे देते हैं। कैसे देते हैं मैं आपको दिखाता हूं हाउ वी डू इट। अब मान लीजिए जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो ये आप बैठे हैं, मैं भी इसको मैं थोड़ा इधर कर लूं क्या, स्क्रीन चालू कर दो, स्क्रीन चालू कर दो। तो बैठे हैं आप, मैं भी ऐसे बैठा हूं। अब आप गौर करेंगे कि पेशेंट जो है, जो टीवी में आपने देखा था सांसें नहीं फूल रही उनकी, वो गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, है ना, तो पेशेंट अक्सर गाड़ी के पहले सीट पे या पीछे वाली सीट पे ऐसे ऐसे और ट्राइंग टू ग्रास्प द ब्रीथ ऐसे लेटे होते हैं। इस वक्त जबकि आप सब हेल्दी हैं, अगर अपने पोस्चर को अभी ऐसे कर लेंगे तो आपकी सांसें आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप चाहे तो करके देखिए, जैसे ऐसे करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ कंफर्टेबली। क्यों, जैसे हम ऐसे करते हैं तो जो हार्ट है वो ऊपर आ गया, लंग नीचे आ गया, लंग की जो कैपेसिटी है 20% रिड्यूस हो गई, और जिससे हार्ट नीचे क्यों आएगा, ग्रेविटी ने नीचे खींचा, आफ्टर ऑल हार्ट ऊपर है, तो इससे आप में ब्रेथलेसनेस आ जाएगा। हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि भाई इसका ठीक उल्टा, आप ऐसे जैसे बैठेंगे, ऐसे बैठते ही हार्ट नीचे आ गया, लंग ऊपर है, तो
लंग को स्पेस मिल गया, खुल गया, राइट, हार्ट नीचे क्यों आया, ग्रेविटी पुलिंग इट। तो आप ये पोस्चर में आप गौर करेंगे आपकी खुली सांस आ रही है, फिर ऐसे कीजिए आपकी सांस अभी के अभी रुक जाएगी, फिर ऐसे कीजिए आपकी सांस आने लगे। तो ये जो है जो पोस्चर है इट मेक्स द होल डिफरेंस कि किस पोस्चर में आप बैठे। आप हमेशा गौर करेंगे जब भी कभी कोई पेशेंट लेटा होगा कहीं भी हॉस्पिटल में तो वो किस पोस्चर में लेटा होगा, यहां दिख रहा है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा आगे ले आए, या कैमरे से वो दिखेगा, कैमरा आ जाएगा वहां पर, आ गया ना। अब आप देखिए ये आपके लिए समझाने के लिए ये डॉल दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये डॉल लेटी है, आप देख रहे हैं, ये इंसान ऐसे जब लेटता है तो हार्ट ऊपर है, ऊपर है ना, लंग नीचे है। इस पोस्चर में लंग की कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 20%। जिसका लंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसके लिए सांसें लेना और तकलीफदायक। हमारे हॉस्पिटल में आज भी या तब कोविड सेंटर में भी हम ये करते थे कि डॉक्टर ने बोला इनको वेंटिलेटर पे इमीडिएटली ले जाओ, अभी ऑक्सीजन सेंटर पे है। हमने वेंटिलेटर को तो मना कर ही दिया, ऑक्सीजन सेंटर भी हटा दिया, अब वो सांसें कैसे लेगा। हम यूज करेंगे ग्रेविटी। हम ग्रेविटी कैसे यूज करेंगे, जैसे ही हमने पेशेंट के पोस्चर को उल्टा कर दिया, ये यानी कि पेट के बल पेशेंट को जैसे ही हम लिटाते हैं, आप गौर करेंगे, इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन, प्रोन वेंटिलेशन। इस पोस्चर में जैसे ही लिटाया SpO2 चेक करेंगे, उसके सिम्टम देखेंगे, तो आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर इंप्रूवमेंट आ गई, जबकि हम ऑक्सीजन सिलेंडर हटा चुके, राइट। तो हमने सिर्फ एक चीज किया, प्रोन वेंटिलेशन, उसके पोस्चर को लिटा। जब भी किसी को सांसें ना आ रही हो तो तब जब वो पेट के बल लेटने लगेगा और अगर बैठा है तो आगे झुक के बैठेगा तो सांसें आने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा साइंस है, इसको समझना होगा। और अगर तब भी ना हो तो एक और साइंस इसमें जोड़ देते हैं, एक छोटा सा फैन जो चाइनीज फैन आता है उसको लेके पकड़ा देते हैं, और जब उसकी हवा यहां लगती है, यहां पे कुछ रिसेप्टर है जो लंग को खोलता है, तो जब हवा पड़ती है तो रिसेप्टर स्विच ऑन होता है जिससे लंग को ओपन होता है। तो पंखा हमारे हॉस्पिटल जगह जगह पर लगा हुआ है, पेशेंट को पकड़ाया या नर्स ने पकड़ लिया और लंग खुल गया, सांस आने लगता है। अब पीछे नहीं आ रही, तो देखिए आई ट्राई टू स्पीक लाउडर। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो कोरोना का जो दौर था तो हमने अपने लोगों को बोल दिया ये फैन और पंखे थोड़ा खरीद के रख लो, जो पैनिक करेगा उसको पकड़ा दो, ठीक होने का उसे ले लो, ये सब चलता रहा। और हमारे हेल्पलाइन नंबर भी तब था वो जो आज भी है, कि रात को फोन कर रहे कि पेशेंट ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांसें नहीं ले पा रहा है, हम बोलते हैं ये कराओ, तो पेशेंट मान नहीं रहा, हॉस्पिटल जाना चाहता है। हमने कहा तो ले जाओ हॉस्पिटल, तो पेशेंट को आगे बिठा देना, आगे बिठा दिया, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि पेशेंट को बोलो खिड़की खोल के देखे बाहर कि हॉस्पिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब पेशेंट खिड़की खोल बाहर देखेगा वो हवा उसके पड़ेगी, और पड़ी हवा पड़ते ही लंग खुलेगा और वो बोलेगा हॉस्पिटल तो आ गया लेकिन मैं ठीक हो गया, वापस चलो। तो इस बात को अगर आपको समझना है तो जो किताब है स्विच 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, ये किताब पढ़ेंगे तो इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का मेडिकल रेफरेंस, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो मैंने आपको अभी बताया किस तरह से लंग को ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह से ग्रेविटी का उपयोग करके हम लंग को खोल सकते हैं। ठीक इसी तरह से बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करता है और सारे ऑर्गन को हम मदद दे सकते हैं ग्रेविटी को यूज करके। अब हम बात करते हैं किडनी के पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, किडनी के पेशेंट कैसे पहचानेंगे। दो लाइन में बता देता हूं, किडनी के पेशेंट अक्सर बोलते हैं क्रिएटिनिन बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, वो उस बातों में जाएंगे तो आप एक टेस्ट के फ्रॉड में फंस जाएंगे। किडनी के पेशेंट को पहचानते हैं हम, मान लो कोई पेशेंट आता है या इंसान आता है बोलता है कि मैं किडनी का पेशेंट हूं, सबसे पहले नजर पड़ती है उनके पैरों पे, पैर में सूजन दिख रही कि नहीं, जितनी दूर है मैं आपसे हूं इतनी दूर से दिख रही कि नहीं, लेंस लेके देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्लियरली अगर दूर से ठीक ठाक स्वेलिंग दिख रही है, यह है पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, ब्लड प्रेशर दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, 200/100। तीसरा, उसका पेशाब
पूरे 24 घंटे में 500 ml से भी कम, आधा लीटर से भी कम। तीसरा, चौथा, अक्सर खुजली होती है, उल्टी होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, राइट, इस तरह की। अगर ये सारे सिम्टम हैं तो ये असली किडनी पेशेंट। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? इनमें सबसे पहली चीज जो हमें ठीक करनी है, उसकी पेशाब के आउटपुट को बढ़ा दो और सूजन को घटा दो। तो जब पेशाब का आउटपुट बढ़ेगा, सूजन घटेगी, तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो ये कैसे करते हैं हम? इसके लिए हम करते हैं व्हाट वी कॉल एज हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट, हेड डाउन टिल्ट क्या है? दोबारा स्क्रीन पर आ जाना। आप कभी हमारे हॉस्पिटल आइए तो आप देखेंगे कि ये बेड आप देख रहे हैं, इस बेड में पेशेंट को लिटा दिया, इस बेड को मैंने इंक्लाइन कर दिया बाय 10 डिग्री, तीन ईटे यहां रख दी, तो इंक्लाइन हो गया ना बेड, पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ। ऐसे जब पेशेंट 2 घंटे लेटते हैं तो 2 घंटे के अंदर उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उनकी स्वेलिंग कम होने लगती है। ये दोनों चीज जब वो हासिल कर लेते हैं और लगातार ऐसे अगर 15-20 दिन तक रोज 2-2 घंटे कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि वो जो सिम्टम्स थे, जो क्लासिक सिम्टम किडनी, वो गायब हो जाते। ये भी एक ऐसी चीज है जो घर पे ही कर सकते। तो पहले तो जब पेशेंट फोन करते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले तो ये घर पे करके देख लो, अगर तो आप ये रिजॉल्व हो जाता है आपके सिम्टम्स तो आने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आने की जरूरत। तो यहां पे हमने क्या किया, जब हमने बेड को टिल्ट किया, हमने ग्रेविटी को यूज किया। जब मैं खड़ा हूं तो मेरा ग्रेविटी नीचे काम खींच रहा है, मेरा हार्ट ऊपर खींच रहा है, ऐसे हो रहा है ना। लेकिन जब इस पोस्चर में लेट गए तो हार्ट के डायरेक्शन में ग्रेविटी आ गई, राइट। तो ग्रेविटी एंड हार्ट आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। जब सेम डायरेक्शन में आ गई तो जो पैरों का जो ब्लड है वो किडनी में जाके पूल होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो जब किडनी में इकट्ठा होगा तो किडनी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे पेशाब बढ़ गया, सूजन घट गया, ये दोनों के होने से ब्लड प्रेशर घट गया, ये तीनों के होने से ब्रेथलेसनेस घट जाएगी, राइट। बॉडी के अंदर बोझ घटेगा तो ब्रेथलेसनेस घट जाएगी और ये सारे ठीक हो गए। यानी कि किडनी का पेशेंट जो कि आपके दिमाग में बिठाया गया कि भयंकर बीमारी है, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका ये सोल्यूशन है। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये कोई मेरी बनाई हुई टेक्निक नहीं है, ये साइंटिफिकली पहले से ही प्रूवन है। और वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स अगर आपको चाहिए, जो किताब मैंने आपको दिखाई उसमें पढ़ लीजिए, 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन जो किताब है। तो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटी एज मेडिसिन, कि आप ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं अपने इलाज के लिए, राइट। तो इसके बाद लेकिन ये सभी को जरूरत नहीं है। अगर कोई किडनी पेशेंट ने बताया, कोई लंग पेशेंट ने बताया, कोई इस तरह की परिस्थिति आ गई जो इमरजेंसी परिस्थिति बताया, तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में मैनिपुलेटिंग द बॉडी, हम उसको एक रिलीफ दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज का पेशेंट है। गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज क्या है? कि डकार आना, राइट, या फिर वो गैस बनता है तो चेस्ट में पेन होता है, लगता है जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। इस तरह का कोई पेशेंट हो, जब इस तरह का कोई पेशेंट होता है तो उनको हम बोलते हैं HUT, हट, हेड अप टिल्ट, राइट। दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट अगर आपके पास हैं तो ये बेड में आप सो रहे हैं, हम क्या करते हैं उनके बेड को थोड़ा सा सिर के यहां से टिल्ट कर दिया, एक एक ईंट लगा दी 3-4 डिग्री एंगल पे, राइट। अब उनको बोलते हैं कि यही आपका बिस्तर है, रात भर इसी में सोना है। जब ऐसे सोते हैं तो जो गैस्ट्रिक है वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है ऑलरेडी, वो इंक्लाइंड है, वो फ्लैट नहीं है। फ्लैट में तो आएगा क्योंकि हमारे यहाँ जो वॉल्व है, वो वॉल्व हम सबका, वो फूड को ऊपर नहीं आना देता, लेकिन कुछ लोगों का वॉल्व खराब हो गया है तो उनका ऊपर आ जाता है। लेकिन जब उनको इस पोस्चर में हर दिन सुलाते हैं, हर रात सुलाते हैं, तो वो वॉल्व को टाइम मिल जाता है अपने आपको रिकवर करने का, और ग्रेविटी की मदद से वो जो फूड है वो ऊपर भी नहीं आ रहा। तो एक दिन में अगर आपको क्लियर कट डिफरेंस दिखता है तो यानी कि आपके बेड के नीचे तो भाई एक तरफ ईंटें लगेंगे, एक एक ईंट, राइट। तो मैंने आपको बताया कि स्टमक के केस में, किडनी के केस में, लंग के केस में हाउ ग्रेविटी बिकम्स द मेडिसिन। सोचिए जरा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक ऐसी चीज ग्रेविटी जो दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है।
बहुत तरह से हम यूज करते हैं अलग अलग, लेकिन मुख्य जो मैंने आपको बताया वो ये है। तो अब बात करते हैं द नेक्स्ट मेडिसिन। मैंने आपको बोला पांच मेडिसिन बताऊंगा तो हम तीन पे पहुंचे अभी तक, राइट। चौथा मेडिसिन है हीट एज मेडिसिन। जहां कहीं भी हीट पहुंचा दें वहां की इम्यूनिटी बढ़ जाती। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हीट एज मेडिसिन की बताता हूं, मुझे लगता है जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये आपके साथ सबसे ज्यादा काम आएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, किसी भी बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसी में, अभी तक हम बता रहे थे लाइफ स्टाइल आता है, इमरजेंसी कंडीशन में हीट को यूज कर सकते हैं। हम हीट को यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में या फिर हम पेशेंट को बताते हैं वो घर पे कर ले। मान लीजिए कोई ताकतवर से ताकतवर प्राणी, हाथी फॉर एग्जाम्पल, गेंडा, देखिए देखिए अब दोबारा आ गई, तो दूसरी बाइक है तो उसमें देखते जरा क्या पता इसमें ठीक, क्या इसमें आवाज ज्यादा ठीक है अब, ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें गड़बड़ था, दोनों ही रहने देते हैं। तो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी, दिमाग में सोच लीजिए गैंडा, हाथी, अगर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को हटा देते हैं क्या वो ताकतवर प्राणी जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वॉट एवर मे बी द एनिमल, वो जिंदा नहीं रह सकता, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक इसी तरह से 40 डिग्री के ऊपर के टेम्परेचर में किसी भी तरह का वायरस जिंदा नहीं रहता है। वेरी सिंपल, राइट। तो जब भी आपके बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आ जाता है, वायरल इंफेक्शन, जिसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, कोई लोग कोरोना बोलते हैं, कोई लोग कफ एंड कोल्ड बोलते हैं, तो अगर आप आधे घंटे के लिए अपने बॉडी में 40 डिग्री टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं हीट एज मेडिसिन, दे दें तो आप इजिली यू कैन कम आउट ऑफ द फीवर। मैं आपको एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं हम लोग हॉस्पिटल में या घर पे आप किस तरह से कल से करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये सबसे ज्यादा काम आने वाला आपके, इसमें हमें क्या करना है कि एक बाल्टी लेनी है, ये रहा बाल्टी छोटा सा, राइट, और बाल्टी के अंदर पानी, स्क्रीन लगाओ यार, बाल्टी के अंदर पानी होगा 42 डिग्री सेल्सियस। ये 42 याद कर लीजिए, 40, एक एक थर्मोमीटर खरीद लीजिए कहीं से ताकि 42 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, ठीक ठाक गर्म होता है, इतना नहीं कि आपके स्किन को जला देगा लेकिन इतना कि आपको फील कराएगा बहुत गर्म। और मान लो अगली बार कभी किसी को फीवर होता है, बुखार, अरे बुखार हो गया, तो फास्टेस्ट तरीका बुखार में, बुखार को ठीक करने का, आधे घंटे में अगर आपको ठीक होना है तो 42 डिग्री सेल्सियस पानी इसमें डाला बाल्टी में, और आप हैं, आप बैठ गए दोनों पैर लेके और आप बैठ गए आधे घंटे के लिए, राइट। तो जब आप इस तरह से बैठेंगे हर 5 मिनट में आपका पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, तो 5 मिनट में एक और बाल्टी रखा और हर 5 मिनट में एक मग पानी रिप्लेस कर रहे हैं जो कि और ज्यादा गर्म है, सो एज टू मेंटेन द टेम्परेचर टू 42 डिग्री। 30 मिनट अगर आप करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जो फीवर था वो गायब हो गया। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, एक तो पहले से ही बुखार है, ऊपर से मैं बॉडी को और गर्मी दे रहा हूं। यही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको समझना पड़ेगा कि जो फीवर है वो अपने आप में बीमारी नहीं है, हमें पता है वो बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। जब किसी को वायरल या बैक्टीरियल अटैक होता है, जब इंफेक्शन आता है, तो बॉडी उस इंफेक्शन को मारने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, और वो जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन आपके शरीर को उस टेम्परेचर को बढ़ाए रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहां से मिलता है? बॉडी से ही मिलता है, और बॉडी की ऊर्जा टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाएगी तो आप कमजोर फील करने लगते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉडी को बोला भाई आपको गर्मी चाहिए ना, तो अगर गर्मी चाहिए तो मैं गर्मी देता हूं, राइट, सपोर्ट करने के लिए फीवर, आर्टिफिशियल फीवर। तो दोनों पैर को, टांगों को हमने बाल्टी में रखा, टांगों को ही क्यों रखा, क्योंकि जिस तरह से ये एक हार्ट है, मेडिकली आपका जो काफ मसल है, पिंडली जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकेंड हार्ट, दिस कॉल्ड सेकेंड हार्ट। जब आप चलते हैं, हिलते डुलते हैं, तो जितना आपका हार्ट का एक चैम्बर ब्लड इजेक्ट करता है उतना ही ब्लड इजेक्ट करता है आपके दोनों
काफ मसल्स, तो ये सेकेंड हार्ट है। तो जैसे ही वो सेकेंड हार्ट ये वाला पोर्शन पानी में डूबा तो यही सारे ब्लड वेसल है, तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर आपका फीवर गायब। इसमें कई सारे ट्रायल्स हुए और ये देखा गया पैरासिटामोल जितनी तेजी से आपका टेम्परेचर घटाता है उससे ज्यादा तेजी से ये घटाता है। पैरासिटामोल का असर चले जाने के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा, लेकिन ये अक्सर एक बार करने के बाद फीवर दोबारा नहीं आएगा क्योंकि वायरस तो मर ही चुका पूरा। तो ये इसे हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, हीट एज मेडिसिन। ये कैसे कहां काम आएगा? ये सिर्फ एक जगह काम नहीं आएगा, कई जगह काम आएगा। मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया किस दिन और दवाई नहीं लेना चाहते हैं, तो भी आप लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, हीट एज मेडिसिन करेंगे, तो अबाउट 10-20 mmHg ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। ये हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल में अक्सर। तो ये अगर किस दिन नींद नहीं आ रही हो तब आप ये करेंगे आधे घंटे तक, तो नींद आने लगेगी। कैसे नींद आएगी? जब आपने ये किया तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, जब करना छोड़ दिया तो टेम्परेचर दोबारा से, टेम्परेचर जब डाउन होने लगता है दैट गिव्स यू द ट्रिगर ऑफ स्लीप। दो चीजें होनी चाहिए बॉडी में तो आपकी स्लीप आएगी, ब्लड प्रेशर डाउन, टेम्परेचर डाउन, राइट। जब आप ये कर रहे होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, क्यों? क्योंकि जब आप गर्म पानी में सेकेंड हार्ट को रखते हैं तो आपका ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, खुल रहा है, जितना ये खुलेगा उतना ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, राइट। तो एक ही तीर से कई निशाने लगा रहे हैं आप, एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो कोई डिप्रेशन का पेशेंट है जिसे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं बोलता अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे बोलते हैं, तब आप आधे घंटे के लिए करेंगे तो आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपका बॉडी एक, अगर बॉडी में फिजिकल एक है, थकावट हो जाती है कई बार पूरा दिन काम करने के बाद, तो शाम को जाके आप आधा घंटा करके देखिए, एक ही बार करके देखिए, एक ही बार में अगर आपको फायदा होना है एक ही बार में दिख जाएगा, अच्छी तरह से दिख जाएगा। तो अगर आप में स्ट्रेस है इट विल हेल्प टू रिड्यूस, अगर आप में बॉडी एक है पूरे दिन के फैटिक के बाद इट विल हेल्प टू रिड्यूस, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद आने में करेगा, अगर आपको फीवर है वो तो है ही है। तो आप देख रहे हैं कि हीट एज मेडिसिन, राइट, किस तरह से हीट आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। कई बार जो ऐसे पेशेंट हैं जिनके बॉडी में कैंसर के पेन होते हैं तो उनको भी हम बोलते हैं यूज दिस एज मेडिसिन। ये कैसे आपके बॉडी के पेन को कम करता है? सेकेंड हार्ट पानी में जब डूब जाएगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो बॉडी के अंदर कई सारे इम्यून एक्टिविटीज स्विच ऑन हो जाते हैं, जिससे आपका जो पेन का जो सेंसेशन है वो लिटरली कम होने लगता है। तो जो जो मैंने कंडीशंस बताए, ये कंडीशन अगर कभी आप में होती है, चाहे बीपी है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो बुखार हो, राइट, तो इनमें से या वो नींद का ना आना हो, एक बार करके देखिए, 30 मिनट लगेंगे और एक बार में आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है हीट एज मेडिसिन, राइट। तो कई बार हम दो मेडिसिन को जोड़ देते हैं, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन। अभी तक हमने कितनी मेडिसिन की बात की? 4, राइट। तो बहुत क्रिटिकल पेशेंट जब आते हैं तो हम चारों को जोड़ देते हैं। मान लो हमारे पास डायलिसिस का पेशेंट आया जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है, क्या आपने कभी देखा कि डायलिसिस के पेशेंट की डायलिसिस छूट गई? कभी नहीं छूटती, हर दिन और बुरा हो जाता, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, फिर बोलेंगे अब ये भी नहीं काम करता, ट्रांसप्लांट कराओ, ये तो मरो, यही होता। तो ऐसे पेशेंट को अगर आपके आसपास ऐसा पेशेंट है तो उनको ये बात दिखाइएगा, हम ऐसे हॉस्पिटल में करते हैं बट इंटरेस्टिंगली ये घर पे भी किया जा सकता है, हम ये चारों दवाइयों को एक साथ जोड़ देते हैं। टाइम एज मेडिसिन क्लियर हो गया, फूड एज मेडिसिन क्लियर हो गया, राइट, और बाकी दो मेडिसिन को कैसे जोड़ते हैं ये इंटरेस्टिंग है। इसे हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग है। हॉट वाटर इमर्शन वाला वीडियो है, हॉट वाटर हॉस्पिटल, आप जाके देख लो। तो ये हम हॉट वाटर इमर्शन में क्या करते हैं, इसमें इधर भी दिखाएंगे, मैं इधर हाथ से भी दिखा देता हूं साथ में। एक बाथटब, अब वीडियो दिखा दो वहां से, हाँ लाइट तो मैं हाथ से दिखा रहा हूं, ये वाला नहीं दूसरा वाला, तो आप देखिए ये बाथटब है,
बाथ टब में आप हम बिठाते हैं पेशेंट को, ये पेशेंट बैठा हुआ है बाथ टब में और बाथ टब में पानी यहां तक है राइट, और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, याद रख लीजिए 40 डिग्री। डायलिसिस का पेशेंट जब इस तरह से बैठ जाता है पानी के टब में जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस का पानी हो और ऐसा वो 2 घंटे तक अगर बैठ पाता है राइट, इतना टाइम है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ डायलिसिस, ऑटो डायलिसिस। उसकी डायलिसिस कुछ दिनों में धीरे धीरे छूट जाती है। कैसे छूटती है इसको आपको समझना है। जब इस तरह से पानी में बैठते हैं तो 2 तरह की मेडिसिन वो ले रहा है, हीट एज मेडिसिन एंड दूसरा मेडिसिन कौन सा है, ग्रेविटी एज मेडिसिन। किस तरह से ले रहा है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। मेडिकली स्किन को बोलते हैं द थर्ड किडनी, आपको पता होगा। आप पेशाब का सैंपल लीजिए और पसीने का सैंपल लीजिए, लैब टेस्ट कराएंगे, दोनों में सेम ही चीज मिलेंगी। पेशाब में और आपके पसीने में दोनों में क्रिएटिनिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, यूरिया मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, शुगर मिलेगा। तो आपका पेशाब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इज वेरी सिमिलर टू द इंग्रेडिएंट ऑफ योर आपके पसीने का, आपका स्वेट का राइट। इसीलिए स्किन को बोलते हैं थर्ड किडनी। जिनकी दोनों किडनी फेल हो गई है उनकी तीसरी किडनी हम एक्टिवेट करते हैं बाय यूजिंग फूड एज मेडिसिन एंड बाय यूजिंग ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन। अब देखिए, मान लीजिए ये बाथटब है जो आप देख रहे हैं और यहाँ पानी यहाँ तक है, गर्दन तक, नीचे शोल्डर तक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पेशेंट्स में, तो ये सारे किडनी पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे जाते थे एक टाइम पे, और जब इस तरह से बैठे जैसे आप देख रहे हैं तो जो पार्ट पानी के ऊपर है उस पार्ट में जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होगा, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, जितना आपके है, जितना मेरे है। जो पार्ट बॉडी पानी से नीचे है, पानी से नीचे यानी कि पानी में जो पार्ट इमर्ज्ड है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर, तो बॉडी के 2 हिस्से हो गए और निचले हिस्से में प्रेशर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले हिस्से में, और सबसे ज्यादा प्रेशर आपके पैरों में क्योंकि वो सबसे डूबा हुआ है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है अलोंग विद द हीट, ये दोनों चीज जब एक साथ हो जाता है तो आपका जो स्किन है वो थर्ड किडनी किडनी का काम करने लगता है, दैट वर्क्स लाइक ए किडनी। तो आपके स्किन के अंदर से, स्किन के पोर्ट से एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा फ्लूइड वो बाहर निकलने लगता है। इसीलिए 2 घंटे बाद जब इन पेशेंट्स को मैं पानी के उठने के बाद दोबारा उनका वेट चेक करता हूं तो देखता हूं उनका वेट 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो भी 2 घंटे के अंदर ही कम हो गया। वो जो वेट कम हुआ वो वाला वेट था जो किडनी रिलीज नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए वो डायलिसिस कराता था। लेकिन ये वेट किडनी अभी भी ठीक नहीं है, इसका मतलब अगले 2 दिन में या 1 दिन में दोबारा से वेट बॉडी एक्यूमुलेट कर लेगा। तो हम बोलते हैं कल फिर कर लेना ये वाला 2 घंटे के लिए, परसों फिर कर लेना। तो जब हम रोज रोज करते हैं तो किडनी को मौका मिलता है टू रिवाइव, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं करा रहे पेशेंट को, साथ में उसको टाइम एज मेडिसिन और फूड एज मेडिसिन भी करा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था फूड एज मेडिसिन में कि किडनी पेशेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि इट इज हेल्पफुल टू रिवाइव द किडनी। एक तरफ तो किडनी को रिवाइव करने के लिए फूड एज मेडिसिन एंड टाइम एज मेडिसिन है, और दूसरी तरफ उस वक्त बॉडी के सपोर्ट के लिए डायलिसिस से बचने के लिए हमने हॉट वाटर इमर्शन ये करा दिया। आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से कई सारे टब बने हुए हैं और उसमें पेशेंट को हम 2 घंटे के लिए बिठाते हैं। शुरू में जब हम बिठाते हैं तो सिर्फ यहीं तक पानी होता है, क्योंकि यहां तक पानी में बैठना आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। मतलब जब आप बैठेंगे आपको लगता है बैठना ही तो है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जब आप बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि मानो जैसे कि आप जिम में दौड़ रहे हो, उतनी थकावट होती है। क्योंकि आप तो स्टेशनरी बैठे हुए हैं, लेकिन जब इसमें बैठते हैं, इस तरह से सिचुएशन बैठते हैं, तो आपका कार्डियक आउटपुट 20% बढ़ जाता है, सिमिलर टू जब हम दौड़ते हैं। तो थोड़ी देर में ही आप हांफने लगेंगे, जब आप हांफने लगे हम बोलते हैं कि तब आप वहां से उठ जाओ। लेकिन हर दिन आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, एक टाइम आता है 10-15 दिन में जब 2 घंटे तक भी आराम से बैठ लेते हैं। जितना ज्यादा बैठेंगे हम, 2 घंटा बोलते हैं मैक्सिमम टाइम पर डे राइट। कोई बोलेगा इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप सोचिए सही, हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस कराने जा रहा है तो उसमें भी तो टाइम लग रहा है, बल्कि उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। और डायलिसिस में ये कोई प्रॉमिस नहीं कि वो ठीक हो जाएगा एक दिन, प्रॉमिस ये है कि वो और
ज्यादा डिटोरेट करेगा। इसमें तो ये प्रॉमिस है कि वो ठीक भी हो जाएगा, पैसा भी नहीं लग रहा, घर पे ही करना है, नुकसान कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमने दो तरह की दवाइयों को कंबाइन कर दिया, हीट एज मेडिसिन एंड ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो बेसिकली टोटल चार तरह की मेडिसिन है। मान लो जो हमारे कैंसर पेशेंट हैं जो बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, किसी भी तरह के कैंसर पेन में, उनको भी हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन बैठ जाओ।